आज पूरे विश्व में जागतिक आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आदिवासी समुदाय यह पर्व बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। इसी श्रृंखला में नागपुर स्थित गोंड राजा भक्त बुलंदशाह के प्रतिमा को माल्यार्पण कर आदिवासी बंधुओं ने यह पर्व मनाया। दरअसल आज जागतिक आदिवासी दिवस के उपलक्ष में शहर के आदिवासी समुदाय द्वारा नागपुर से संविधान चौक से लेकर विधान भवन के आगे स्थित गोंड राजा भक्त बुलंदशाह चौक तक भव्य रैली निकाल कर ये पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस वक्त आदिवासी बांधवों ने अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ गोंड नृत्य करते हुए इस अवसर का आनंद लिया, जहाँ गोंडी बाजा और संगीत पर थिरकती युवतियां और नौजवानों ने समा बांधा, तो वहीं बुजुर्गों द्वारा की जय सेवा जय जोहार की घोषणा से वातावरण हर्षमय हो गया। इस मौके पर उपस्थितों ने गोंड राजा भक्त बुलंदशाह की प्रतिमा को माल्यार्पण किया। आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में ये जो रैली निकाली गई है, क्या है उसके पीछे का उद्देश्य? हर साल जागतिक आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम मनाया जाता है, आज कैसा लग रहा है आपको? आज बहुत अच्छा लग रहा है। आदिवासी दिवस 9 अगस्त 9 साल हो गया आज आदिवासी दिवस जागतिक दिवस, इसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये किया है। उस उपलक्ष्य में हम आदिवासी भाई लोग आज 9 अगस्त के दिन रैली निकालते हैं। आपका नाम क्या है? मैं नीलकंठ जी अंबाडर है, मेरा नाम है और आपको सर का अध्यक्ष हुआ देवसुवारी समाज का। नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज है 9 अगस्त जो कि जागतिक आदिवासी दिवस के रूप में पूरे राष्ट्र के, पूरे राज्य के और पूरे विश्व के आदिवासी समुदाय आज बड़े ही धूमधाम से इस दिन को मनाता है। अपनी वेशभूषा है, नृत्य और अपनी परंपराओं का प्रदर्शन कर आज नागपुर के आदिवासी समुदाय क्रांति दिवस मना रहा है। दर्शकों, आप देख सकते हैं पीले झंडे लेकर ये लोग यहाँ आदिवासी दिवस का और क्रांति दिवस का यह अवसर मना रहे हैं। चारों ओर पीले झंडे दिखाते हुए विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं धारण किए हुए आदिवासी नृत्य कर रहे हैं और अपनी एक पारंपरिक वेशभूषा का परिचय यहाँ दे रहे हैं, पारंपरिक संस्कृति का परिचय यहाँ दे रहे हैं। आप देख पा रहे हैं गोंडी नृत्य करती हुई कन्याएं, गोंडी नृत्य करते हुए युवक अपनी कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति का प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं और आज भी हमारी संस्कृति जीवित है, आदिवासी कोयर की संस्कृति जीवित है, यह संदेश आज आदिवासी समुदाय द्वारा यहाँ दिया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से मोर पंख से सजा यह स्तंभ दिखाते हुए आदिवासी समुदाय की जीवंतता और आदिवासी समुदाय की संस्कृति यहाँ प्रदर्शित की जा रही है। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के नृत्य यहाँ किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से आदिवासी दिवस का एक क्रांति दिवस का अवसर यहाँ मनाया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद है विधान भवन के बिल्कुल आगे, जहाँ की भक्त बुलंदशाह, गोंड राजे भक्त बुलंदशाह का की प्रतिमा यहाँ मौजूद है और वहाँ माल्यार्पण किया जाने वाला है। तो आदिवासी दिवस और क्रांति दिवस के अवसर पर इंडिसियन परिवार की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मैं मनीष टेमरे, इंडिसियन न्यूज के लिए नागपुर। इंडिसियन न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।